Good morning, student. How are you? Fine? I hope all are fine. I'm your moral science teacher. My name is Alka Pandey. This is your moral science book. Firstly, student, start करने से पहले मैं कुछ important चीज़ आपको बताती हूँ. सबसे पहले हमें book को cover करनी होती है, टेम्पलेट लगाना होता है, इस पर नाम लिखना होता है. ठीक है, अपनी बुक्स, क्योंकि ये बुक को अच्छा रखना हमारा काम है. एंड स्टूडेंट्स, लेट मी स्टार्ट द लेसन. लेसन नंबर वन, प्रेयर. This is your first chapter, prayer. Prayer means, what is the meaning of prayer? What is the meaning of prayer? Prayer means prarthana. Prarthana. Prarthana, जो हम अपने भगवान से करते हैं, ईश्वर से करते हैं. जब हम ईश्वर के समक्ष आते हैं, आंखें बंद करके हम लोग प्रार्थना स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द प्रेयर? हम स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, व्हाट इज द प्रेयर? यू नो व्हाट इज प्रेयर? ओके, आई टेल यू व्हाट इज द प्रेयर. प्रेयर इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन और गॉड एंड अस, यानी कि भगवान और अपने बीच कम्युनिकेट करने का एक साधन है प्रेयर. प्रेयर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, भगवान को अपने से जोड़ते हैं, यानी कि अपने दिल की बात, अच्छा हो या बुरा हो, वो हम भगवान के सामने अपने बातों को रखते हैं या कम्युनिकेट करते हैं. कम्युनिकेट करने का एक साधन है. बिफोर स्टार्टिंग द प्रेयर, फर्स्ट यू शुड ज्वाइन योर हैंड एंड क्लोज योर आईज. हम स्टार्ट करने से पहले, अब प्रेयर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जब आप मॉर्निंग में स्कूल आते हो, प्रेयर होता है, तो आप लोग क्या करते हो, पहले हम लोग प्रेयर करते हैं. प्रेयर क्यों कराते हैं? इससे हम मन की शांति के लिए हम लोग पहले प्रेयर करते हैं. प्रेयर कैसे करते हैं? पहले हम लोग अपने हाथ को जोड़ते हैं और आँख बंद करते हैं. ओके, डोंट वेस्ट द टाइम, स्टार्ट द चैप्टर. ओके, लेट मी स्टार्ट द चैप्टर. प्रेयर मीन्स प्रार्थना, ए हम्बल सबमिशन, यानी कि विनीत, अपनी जो विनती है उसको प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है प्रेयर. प्रेयर क्या होता है? अपनी विनती को प्रस्तुत करने का. सबमिशन मीन्स हम्बल, मीन्स विनीत, सबमिशन मीन्स प्रस्तुत करना, यानी कि अपने भावों को रखना, करने का एक साधन होता है. स्टार्ट द पोयम. डियर गॉड, डियर गॉड, हे ईश्वर, डियर गॉड, हे ईश्वर, आवर हेवेनली फादर, आप हमारे पिता हैं. इट्स मीन आप हमारे पिता हैं. फादर मीन्स पिता, आप हमारे पिता हैं. थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, यानी कि उनको हम लोग धन्यवाद करते हैं. मॉर्निंग में उन्हें धन्यवाद करना चाहिए. थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ. थैंक मतलब जानते ही आप लोग, धन्यवाद करना. यू मतलब आप, दिस मतलब यम, ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत, लाइफ मीन्स जीवन, यानी कि इस खूबसूरत लाइफ देने के लिए उनको धन्यवाद करते हैं. डियर गॉड, अवरली लवली फ्रेंड, हे भगवान, आप हमारे प्रिय मित्र हैं. लवली मीन्स प्यारे, फ्रेंड मीन्स मित्र हैं. थैंक यू फॉर द हेल्प यू सेंड, यानी कि उनको हम लोग थैंक करते हैं. किस लिए? सहायता, हेल्प मीन्स सहायता, यू मतलब आपको, सेंड मीन्स भेजना, हेल्प मीन्स सहायता, सेंड. Send means भेजना, उनको हम लोग सहायता भेजते हैं.
डियर गॉड आवर ग्रेटेस्ट गाइड, आप हमारे ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़े मार्गदर्शक। ग्रेटेस्ट गाइड को क्या कहते हैं? सबसे बड़ा गाइड मीन्स मार्गदर्शक। जैसे आपके लिए हम लोग मार्गदर्शक हैं, टीचर्स क्या होते हैं? मार्गदर्शक होते हैं। उसी तरीके से डियर गॉड आवर ग्रेटेस्ट गाइड यानी कि भगवान हमारे गाइड हैं, बहुत सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। थैंक यू फॉर मेकिंग ब्राइट, थैंक्स मतलब धन्यवाद कर रहे हैं यू फॉर मेकिंग, मेकिंग माने हमारे उज्जवल, मेकिंग बनाने के लिए, अस ब्राइट यानी कि हमारे उज्जवल भविष्य बनाने के लिए उन्हें धन्यवाद कर रहे हैं। डियर गॉड वी प्रे टू यू, हम आपकी प्रार्थना करते हैं। प्रे मीन्स प्रार्थना करना, डियर गॉड यानी कि यहाँ पे डियर हम लोग डियर मतलब प्रिय होता है, लेकिन यहाँ पर हे भगवान, भगवान को हम लोग कह रहे हैं हे भगवान। वी प्रे टू यू साइन ऑन आवर फेस लाइक अ स्माइल, हम लोग का फेस हमेशा स्माइल करे, लाइक अ स्माइल, शाइन यानी कि चमकते हुए हमेशा रहे और हमेशा मुस्कुराता रहे। Let me and see this here. Look true track. True मतलब सत्य वचन। God is almighty. God सर्वशक्तिमान है। God क्या है? सर्वशक्तिमान है। God सर्वशक्तिमान है, इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? गॉड सर्वशक्तिमान है, यू मे कॉल हिम एनी टाइम एनी वेयर। भगवान को सर्वशक्तिमान माना गया है और उन्हें कभी भी कहीं भी किसी भी समय आप उन्हें याद कर सकते हैं। कॉल हिम विच योर हार्ट एंड सोल यानी कि अपनी आत्मा और हृदय से। जब आपका हृदय और आत्मा दुखी होता है या बहुत आप प्रसन्नता फील करते हैं तो आप किसको याद करते हैं? भगवान को। भगवान को क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। वी विल फुलफिल ऑल योर डिजायर, और क्या करते हैं आप? वह आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं किसी भी माध्यम से, वो चाहे आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से आपकी हेल्प करते हैं। जैसे आप कभी जा रहे हो, गिरने वाले हो, तब तक क्या होता है? मम्मी आगे पकड़ लेती है, बोलती ओ गॉड, आपने तुरंत कहते ना ओ गॉड, क्यों? आप सोचते हैं भगवान ने मेरी रक्षा करी, करते हैं ना? उसी तरीके से वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से आपकी हेल्प करते हैं और आपकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। थिंक एंड एक्ट, हम उससे सोचिए। फर्स्ट, यू आर गॉड ग्रेटेस्ट क्रिएशन, आप क्या है? भगवान ने आपका सृजन यानी कि आपका एक ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, आप भगवान के एक बड़ा ग्रेटेस्ट क्रिएशन है। क्रिएशन मतलब बनाने वाले हैं, उनका एक बड़ा सृजन है। यू कैन फील गुड विद इन यू, यू कैन फील विद इन यू। थर्ड, गॉड ऑलवेज ग्रैंड यू द बेस्ट, वो हमेशा आपको अच्छा, ग्रैंड्स मतलब देना, ग्रैंड्स मीन देना, भगवान आपके लिए हमेशा अच्छा करते हैं। गॉड ऑलवेज शावर मीन्स बरसाना हिज ब्लैसिंग मतलब क्या होता है कि आपकी दुआएं हमेशा बरसाते हैं अपॉन यू, आपके ऊपर। इफ यू आर गुड, अगर आप अच्छे हैं, एंड काइंड यानी कि दयालु, काइंड मीन्स दयालु, अगर आप अच्छे हैं और दयालु हैं, यू फील्स हैप्पी विद यू, और आपके साथ वो प्रसन्न रहते हैं। दिस इज योर चैप्टर, एक्सप्लेन इट, ऑल ऑफ यू रीड इन योर होम, एंड दिस इज योर होमवर्क, रीड एंड रीडिंग होमवर्क, फर्स्ट लैंड योर होमवर्क।
रीड दिस लेसन प्रेयर. प्रेयर की लेसन को आपको क्या करना है, रीड करना है. दिस इज योर होमवर्क. और आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.